नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। पुणे भारत का सातवां सबसे बड़ा शहर है और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुणे को महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पुणे एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसके साथ ही ऑटोमोबाइल का है और IT पार्क का भी सेंटर है। आज हम पुणे मेट्रो के ऊपर बात करने वाले हैं। पुणे मेट्रो के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से लाइन्स शुरू है और कौन कौन सा लाइन अपकमिंग है। सबसे पहले देखेंगे हम मनास टू गरवारे कॉलेज का जो लाइन ओपन हुआ उसका जर्नी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पुणे में कौन कौन से रूट पे काम चल रहा है, कौन कौन से अपकमिंग रूट्स है, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 6, लाइन 7, ऐसे अलग अलग ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर के लाइन अभी प्रपोज है, वो कौन कौन से है उसका रूट और मैप भी देखेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वनाथ से गरवारे कॉलेज तक मेट्रो का सफ़र करते हैं। ये अभी हम लिफ्ट से वनाथ स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ कॉन्कोर्स लेवल है, कॉन्कोर्स लेवल में टिकट काउंटर और वो एंट्री पॉइंट वो सब है। ये आप स्टेशन देख सकते हैं, ये वनाथ स्टेशन का आउटसाइड का एरिया। यहाँ स्टेयर केस है, जो लोग स्टेयर केस से आना जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। कुछ जगह एस्केलेटर भी है, ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल जाने के लिए एस्केलेटर है। वैसे अभी मेट्रो अभी शुरू हुआ इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। इधर आप देख सकते हैं एंट्री करते समय चेक पॉइंट है। ये राइट साइड में टिकट काउंटर है, इधर आप देख सकते हैं टिकट निकालने के लिए। और ये कौन सा मेट्रो का कब आ रहा है उसका टाइमिंग वगैरह है, इंडिकेटर है। ये टिकट निकालने के बाद इसमें एक चेकिंग के लिए काउंटर है, अगर बैगेज वगैरह है तो उसमें आप डाल के वहाँ से चेक करके ही जाना है। ये इतना भव्य और दिव्य बनाया गया है। अभी प्लेटफॉर्म लेवल जाने के लिए हम एस्केलेटर से जाएंगे। आप इधर अभी प्लेटफॉर्म लेवल में आने के बाद इस स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए इधर और एक मेट्रो लगा हुआ है, ये लास्ट स्टेशन है, इसके आगे डेपो है। तो वहाँ ये मेट्रो वहाँ डेपो में जाके रिवर्स आता है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में ये अभी मेट्रो आ गया, इधर आप देख सकते हैं। सब लोग बहुत ही उत्सुक है क्योंकि पुणे के लिए मेट्रो नया है। ये देखिए अभी मेट्रो आ गया इधर। अभी हम मेट्रो के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए अंदर से मेट्रो का लुक कैसा दिखता है। ये देखिए अभी बाहर का नजारा कैसा दिख रहा है। अभी मेट्रो शुरू हो गया, ये देखिए पूरा बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है। पूरा बिल्डिंग वगैरह एकदम खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है।
अभी आनंद नगर आने वाला स्टेशन है, उसके बाद नल स्टॉप, सॉरी आनंद नगर, उसके बाद आइडियल कॉलोनी, इसके बाद नल स्टॉप और बाद में गरवारे कॉलेज। टोटल 5 स्टेशन का काम हुआ है और 5 स्टेशन का रूट शुरू हुआ है। आप ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत ही उत्साहित हैं पूरा मेट्रो में सफ़र करने के लिए, क्योंकि ये लोगों को पुणे मेट्रो शुरू होने के बहुत दिन से आस थी, उनकी इच्छा भी पूरी हुई है। हर स्टेशन ये इलेवेटेड होने की वजह से बुज़ुर्गों के लिए वगैरह लिफ्ट का भी इस्तेमाल इधर अरेंजमेंट किया है, लिफ्ट है, एक्सकेलेटर है। तो क्योंकि ये पहले ऊपर जैसे कॉन्कोर्स लेवल है, उसके बाद प्लेटफॉर्म लेवल ऊपर के लेवल में है, तो ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट या फिर एस्केलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेशन से अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए एंट्री एग्जिट स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ये आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ऐसा ही मेट्रो PCMC टू फुगेवाड़ी, मतलब पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से फुगेवाड़ी तक 5 स्टेशन का शुरू हुआ है, उसका भी ओपनिंग इसके साथ ही हुआ। ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं इधर। ये स्टेशन आया है, गरवारे कॉलेज स्टेशन है, यहाँ हम अभी उतरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक ही ये रूट कंप्लीट है, इसके बाद ये वापस बनास के लिए जाएगी। बहुत लोग मेट्रो का एंजॉय कर रहे हैं, मेट्रो में सफ़र करना एंजॉय कर रहे हैं। मेट्रो का लुक इतना अट्रैक्टिव है। अभी हम गरवारे कॉलेज से नीचे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्टेयरकेस से जा रहे हैं। ये स्टेशन आप देख सकते हैं गरवारे कॉलेज का, एक कॉन्कोर्स लेवल का। ये बाहर जाते समय इसका जो टिकट लिया वो पंच करके जाना है। इधर भी ये टिकट काउंटर है, फिर कार्ड का भी सिस्टम है। ये देखिए टिकट पंच करके स्कैन करके जाना है। पूरा गरवारे कॉलेज स्टेशन देख सकते हैं, इसमें पूरा कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 का मैप दिखता है। अभी हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे, इसमें भी आप मैप देख सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2। अभी हम देखेंगे पुणे मेट्रो का कौन कौन सा लाइन चालू है, कौन कौन सा लाइन प्रपोज्ड है। फर्स्ट फेज जो अभी वर्किंग कंडीशन है, जिसका काम चालू है पुणे मेट्रो का, इसमें उसका टोटल लेंथ है 31.254 किलोमीटर। और इसमें दो कॉरिडोर है, कॉरिडोर 1 जिसे PCMC टू स्वारगेट, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू स्वारगेट, उसका लेंथ है 16.589 किलोमीटर। और इसमें 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और 11.5 किलोमीटर एलिवेटेड है। और इसमें टोटल 15 स्टेशन है, जो कि 9 स्टेशन एलिवेटेड स्टेशन है, जबकि 6 स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन है। इसके बाद है कॉरिडोर 2, ये है वनास टू रामवाड़ी, और इसका टोटल लेंथ है 14.665 किलोमीटर। और ये टोटली एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसमें 16 स्टेशन है, इधर हम देख सकते हैं। ये देखिए इधर से PCMC पहला स्टेशन, बाद में संत तुकाराम नगर, फिर
भोसरी या फिर नासिक फाटा, फिर कासारवाड़ी और फुगेवाड़ी, ये लाइन अभी चालू हुआ है, मतलब इसका ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे मेट्रो शुरू हुआ है, जबकि दापोड़ी, भूपोड़ी, खड़की, रेंजल, इसका ये अभी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, और ये रेंजल्स में ये डेपो है। तो ये PCMC टू शिवाजी नगर अभी तक का ये लाइन है। उसके बाद आगे में है शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, बुधवार पेट, मंडई, स्वागत, ये सब अंडरग्राउंड है, ये ऊपर का पूरा एलिवेटेड है, जबकि ये अंडरग्राउंड है। इसमें आप देख सकते हैं, ये इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला गया है, इसमें ये एलिवेटेड है, जबकि ये पोर्शन इनॉग्रेट हुआ है और ये मेट्रो लाइन शुरू है। और ये दूसरा है फुगेवाड़ी टू रेंजल्स, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू है। इसके बाद में ये जो डॉटेड दिखाया है, ये पूरा अंडरग्राउंड है, रेंजल टू स्वारगेट। इसके बाद है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इधर आप देख सकते हैं ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वनाज से लेके रामवाड़ी तक, और इसमें से अभी वनाज, आनंद नगर, आइडियल कॉलोनी, नल स्टॉप और गरवारे कॉलेज, यहाँ तक का काम हुआ है, यहाँ तक का मेट्रो सर्विसेज शुरू है, जबकि आगे गरवारे कॉलेज से आगे का पूरा लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा इलेवेटेड है और इसमें टोटल 16 स्टेशन है। इसके बाद एक लाइन 3 है, लाइन 3 का भी काम शुरू हुआ है। ये जो लाइन 3 है, ये सिविल कोर्ट मतलब शिवाजी नगर, वहां से हिंजेवड़ी, जो आईटी पार्क, पुणे का फेमस आईटी पार्क है, मेगापोलिस पुणे हिंजेवड़ी, वहां तक है। ये टोटल 23.3 किलोमीटर लाइन है और ये इसमें टोटल 23 स्टेशन है, और ये लाइन पूरी तरह से इलेवेटेड है। इसमें आप मैप में देख सकते हैं, सिविल कोर्ट से शिवाजी नगर, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सकल नगर, बानेर, बानेर के बाद बालेवाड़ी फाटा, फिर लक्ष्मी नगर, निकमार, इसके बाद बालेवाड़ी स्टेडियम, फिर वाकड़ चौक, वाकड़ चौक से हिंजेवड़ी, शिवाजी चौक, बाद में हिंजेवड़ी का आईटी पार्क का फेज 2, इंफोसिस फेज 3, और उसके बाद में मेगापोलिस सर्कल। इस तरह से ये टोटली इलेवेटेड सेक्शन है और 23 स्टेशन, और ये वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम ये तीनों लाइन का एक कंबाइंड मैप देख सकते हैं। इसमें पहला लाइन है पर्पल लाइन, जैसे PCMC टू स्वारगेट। दूसरा लाइन है एक्वा लाइन, जैसे वनाज से रामवाड़ी, और तीसरा लाइन 3 शिवाजी नगर या फिर कोर्ट से मेगापोलिस या हिंजौली, ये आप देख सकते हैं। अभी मेट्रो का इतना डिमांड बढ़ रहा है पुणे में, तो अलग अलग रूट पे भी बहुत सारा डिमांड आ रहा है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट में कुछ प्रपोज लाइन्स है जो वहाँ मेट्रो ने ऑलरेडी उसके ऊपर सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया है और फेज 2 का प्लानिंग किया है, और इसका DPR जो है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो पूरा बनाना शुरू कर दिया है। इसमें अभी सेकेंड फेज में, पहले फेज का जो लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं PCMC, वहां से निगड़ी तक का एक एक्सटेंशन है, और उसके बाद में स्वारगेट से कातरस तक का वो एक्सटेंशन सैंक्शन हो चुका है। इसमें देख सकते हैं आप एक्सटेंशन ऑफ स्वारगेट टू कातरस 5.464 किलोमीटर, और PCMC टू निगड़ी 4.41 किलोमीटर सैंक्शन हो चुका है। बहुत जल्द उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। इसके बाद फेज 2 में टोटल 82.5 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ का कॉरिडोर सैंक्शन हो चुका है। इसमें कौन कौन से सेक्शन है, एक वनाज टू चांदनी चौक, ये एक्सटेंशन है, जैसे वनाज टू रामवाड़ी पार्ट का वनाज टू चांदनी चौक 1.5 किलोमीटर एक्सटेंशन है। दूसरा है रामवाड़ी टू वाघोली, ये भी 12 किलोमीटर का एक्सटेंशन या फिर नया लाइन है। दूसरा है रामवाड़ी टू वाघोली, ये 12 किलोमीटर का है। इसके बाद हड़पसर टू खराड़ी 5 किलोमीटर, स्वारगेट टू हड़पसर 7 किलोमीटर वाया पुल गेट, स्वारगेट टू हड़पसर वाया पुल गेट 7 किलोमीटर, जो आगे लोनी कारबोर तक एक्सटेंड होने का चांसेस है या फिर इन फ्यूचर होने वाला है। उसके बाद खड़कवासला टू स्वारगेट 13 किलोमीटर, और उसके बाद SNDT कॉलेज टू वारजे 8 किलोमीटर, ये सब एक्सटेंशन सेकेंड फेज में आने वाले लाइन रूट्स है। और इसमें और एक बड़ा रूट है HCMTR इन PMC, HCMTR मतलब
हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट या फिर उसको रिंग रोड भी बोलते हैं। यह 36 किलोमीटर का रिंग रोड है और यह 36 किलोमीटर के रिंग रोड के पैरेलल मेट्रो आने वाला है। इधर आप मैप में देख सकते हैं, ये वो पौड़ी से लेके एसएनडीटी, स्वारगेट, अड़पसर, कराड़ी, दामोड़ी, ये पूरा जो रिंग रूट है रेड कलर में दिखा हुआ है, इसको पैरेलल ये मेट्रो आने वाला है। ये कंबाइन प्लान आप देख सकते हैं, इसमें कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2, लाइन 3, इसके बाद में फेज 2, ये सारे के रूट दिख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2, कॉरिडोर 3, कॉरिडोर 4, कॉरिडोर 5, कॉरिडोर 6, कॉरिडोर 7, जो भी प्रपोज्ड है ये सबका रूट्स आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये वनास टू गरवारे कॉलेज का जर्नी देखा, उसके साथ ही अपकमिंग जो भी प्रपोज रूट्स है पूरे मेट्रो के उसका मैप और रूट सब देख लिया। तो ये टोटल पुणे मेट्रो का एग्जिस्टिंग वर्क, इसके साथ ही अपकमिंग दोनों का डिटेल जानकारी था। आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।